बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कोर्ट से, तो मैं अपने गाँव कोहटा चला गया था। राइट नाउ आई एम कमिंग बैक। तो आगे की मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैंने कहा कि मैं गाड़ी में ही आपसे ज़रा थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। आज के तीन अहम मौजूदात हैं। एक तो ये कि पार्लिमानी निज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के लोगों की जेबों पे डाका और उनके सर के ऊपर सुपर एटम बॉम, मेगा एटम बॉम महंगाई का वो बरसाया गया है पिछली रात को। ये रात के शगाल हैं जिनको कहते हैं मिडनाइट जैकॉल्स, इसलिए कल रात को इन्होंने ये वारदात की और आज सुबह दूसरी वारदात हुई है। वो दोनों वारदातें और उन वारदातों की मंजूरी के लिए जो डॉलर मैन रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाहों ने, एक मनी लॉन्ड्रिंग का करता धरता इल्ज़ाम जिस पे सारी दुनिया के लगे, और वो हमारे खर्चे पे चलने वाले जो सरकारी जहाज़ हैं उनमें उड़ के भेजा गया था बाहर और वापस भी बुलाया गया। इसीलिए इमरान कहता है कि वो कौन था, अब खुद कहता है कि वो मैं था। सबसे पहले आप आ जाइए महंगाई की तरफ, इसलिए जो हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है। अभी मैं गांव में था तो मुझे कई ख़वातीन भी आई मिलने के लिए, जिनमें यंगस्टर्स भी थी, बड़ी उम्र की भी थी और जवान भी आए मिलने के लिए। एक बात मुश्तरक है, एक शख्स ने मुझे कहा कि जो गाय का चारा था वो तीन गुना महंगा हो गया। अब ये ऐसी बात है, जो लोग दूध पीते हैं और दूध अगर वो खालिस मांगना चाहते हैं तो उनके लिए ये बात समझ में आने वाली होगी। दूसरा ये एक ने कहा कि पहले हमें 6000 के करीब हमारा सौदा होता था, इस दफ़ा जो सौदा सलफ यानी ग्रॉसरी जिसको आप कहते हैं घर का सौदा सलफ आटा सारा मिला के, उसने कहा इस दफ़ा 25000 रुपये से ऊपर का वो सौदा आया है। और हम थोड़ी सोमवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खुशी में हम चैरिटी करते हैं किसी जगह, तो रोटियों के जो पैकेट आया करते थे पहले 800 रुपये के करीब के, कल वो 6500 रुपये के वो पैकेट कल आए हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई का किस तरह से एक तूफ़ान आया हुआ है। और मज़ीद तूफ़ान में तूफ़ान बदतमीज़ी और तूफ़ान नो महंगाई का और जो मेगा सुनामी है वो दाखिल करने के लिए इन्होंने नया बंदोबस्त किया। उस नए बंदोबस्त के नीचे गैस 124 रुपये यूनिट के हिसाब से वो महंगी कर दी गई है, और वो उसका एक टेक्निकल नाम है, उसको रहने दीजिए। तो जो मैं आपको एक सादा हिसाब बता देता हूँ जो हम गांव वाले करते हैं, वो सादा हिसाब ये है कि जिसके पास बिल आता था 1000 रुपये, वो बैठे बिठाए अब उसके पास बिल आएगा 2000, और 24 रुपये को आप 1 के साथ करें तो ये तकरीबन यानी उसके पास आएगा 2500 रुपये का बिल। ये रात का शुगल था जो रात के शगाल लगा गए। और अब जब सुबह होती है तो एक और महंगाई का एटम बम गिराते हैं आवाम के ऊपर, वो ये है कि 67 अरब रुपए की जो बिजली है, बिजली के बारे में जो मेरी इतला है वो है कि उसका चांस ये है कि सैकड़ों फीसद उसकी कीमत में भी इजाफा होगा, लेकिन जो उन्होंने इशारे के चक्कर में लोगों को जिस तरह से वो धोखा देते आए हैं और धोखा दे रहे हैं उस तरह से वो उन्होंने कहा जी कि 67 बिलियन वो जो बोझ है वो आवाम के ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ रुक के दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम लोग कहते हैं, मैं कहने लगा हूँ। पहली बात यह है कि जो बिजली है वो जिनको मुफ्त मिलती है, जिन इदारों को मुफ्त मिलती है और वो कमाऊ पूत हैं, जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ को मुफ्त मिलती है और वो कमाऊ पूत हैं, वहाँ अरबपति रहते हैं, करोड़पतियों से ऊपर रहने वाले हैं, उनको क्यों मुफ्त मिलती है? हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग होती है, मैं एफ8 में रहता हूँ, वहाँ मेरे मुझे मिलने के लिए ग्रैंड चिल्ड्रन आए तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो बिजली बंद है और सामने जो सरकारी इमारतें और रिहायशी एक हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर तो बिजली क्या, बिजली के कुमकुमें, जिस तरह किसी ने कहा था कि खुद को तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह कि खुद को तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। तो ये कौन है जो दुनियादारी में कौम के पीर बन के सारी मुफ्त बिजली जलाने वाले हैं? इसी तरह से कई सौ ऐसे पाकिस्तान के अंदर रियासत इदारे हैं जो बिजली के बिल्स नहीं देते, और उनमें से कई हज़ार ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बिजली का बिल नहीं देते, और वो सारा बिजली का बिल मैं क्यों भरूं, आप क्यों भरें
जो देते हैं, और लाइन लॉसेस यानी चोरी करवाए महकमा, चोरी करवाए कोई लाइनमैन या इंजीनियर, चोरी करवाए कोई जो किसी बिजली कंपनी का कोई अहदेदार है, तो वो बिजली उनको डाली जाएगी और डाली जाती है। ये कानून उन्होंने अपना बनाया हुआ है, जो बिजली का रेगुलरली बिल देते हैं, यानी चोर का जो जुर्माना है वो 7 के ऊपर लगता है। ये एक पहलू था। दूसरा जो गैस वाला है, अगर आपके पास सिर्फ मीटर ही है तो फिर भी बिल आपका हज़ारों में आएगा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। और वो जो सब्सिडीज़ उन्होंने कही थी कि ख़त्म कर दीजिए, वो सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। और इस वक्त इस तरह लगता है कि पाकिस्तान जो ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों का ग़ुलाम हो गया, और गिरवी रख दिया गया है इसका ज़मीर भी पूरे कौम का, और गिरवी रख दिया गया है इसकी इज्जत और तौकीर को भी पूरी कौम का, सिर्फ इसलिए कि एक इमरान खान को हटाना है, इमरान खान को रोकना है, इमरान खान से ज़िद है और आज़ादी को रोकना है, आज़ादी को किसी सूरत नहीं देना लोगों को, और ये लोगों के साथ ज़िद है। ये दो चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँ। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पार्लिमानी निज़ाम है, मैंने ये बात एक और तरह से कही थी, एक आज नए तरह से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, उसमें बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि पार्लियामानी निज़ाम में कि इलेक्शन होते रहें। इलेक्शन होने का मतलब यह है कि जो अल्टीमेट सॉवरन सबसे बड़ा मुख्तदर है वो पाकिस्तान का वोटर है, उसको मौका मिलता है कि वो अपनी मर्जी इस्तेमाल करता है। उसके साथ धांधली भी होती है, धौंस भी लगती है, पैसे भी लोग ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए से लोगों की राय इख्तदार हासिल करने में बड़े पैमाने पर शामिल हो जाती है, इसमें भी कुछ शुबा नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें हुआ ये है कि इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां और उनके साथ और छोटे ग्रो लगे हैं जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, सबसे बड़े जमहूरियत के दुश्मन वो निकल आए, इसलिए कि कानून छोटा नहीं, बड़ा कानून जो पाकिस्तान का है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, वो ये कहता है उसका आर्टिकल 105 के जब असेंबलियाँ टूटेंगी, असेंबली मरकजी टूटे या सूबाई असम्बली, तो जनरल इलेक्शन होगी, जनरल इलेक्शन के लिए 90 दिन के अंदर तारीख रखना है। तो एक नूरा कुश्ती लगी हुई है, कल से खबरें चलाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर को मिलने जा रहा है। अच्छा, आज खबरें चलाई जा रही हैं तारीख पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ, आइन में लिखा हुआ 90 दिन, जिस दिन 91 दिन हुए, मैंने पहले कहा है कि 2 गवर्नर तो पहले ही आर्टिकल 6 की जात में आ चुके हैं, जिस दिन 91 दिन हुए उस दिन पता नहीं कौन सहूलतकार की हैसियत में और कौन जो है वो लीड रोल की हैसियत से प्रिंसिपल एक्यूज्ड के तौर पे वो आर्टिकल 6 का मुलजिम हो जाएगा। ये कोई मेरी तशरीह नहीं है, ये आइन कहता है आर्टिकल 6 उसका, कि जो भी उसको आइन को सबोताज करेगा, होल्ड इन अबेंस करेगा यानी उसको मुअत्तल करेगा, या उसको गैर मुअस्सर करेगा, या उसको पामाल करेगा, तो उसके खिलाफ ये आर्टिकल लगेगा। अब ये एक और इसका पहलू ये था, एक तो ये हो गया, एक दूसरा पहलू ये था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को धुतकार दिया गया, तुर्की नहीं जाने दिया गया, इसलिए कि वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया कि हम अभी नहीं, तुर्की मुसीबत में, 2 महीने बाद उनसे मदद मांगेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि आप आराम से बैठें। लेकिन जो 10,000 तामीर शुदा घर ले के जो कतर के अमीर हैं वो गए, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी कैश, एक साशिब काफ़ी तगड़ा, वो भी उनको जाके मदद के तौर पे दिया। तो पाकिस्तान की इस वक्त बेतौकीरी अरूज पर है, और पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो इस वक्त अपनी इंतहाओं को छू रही है। तो जब भी बेतौकीरी होती थी आइन की और आइन को तोड़ा जाता था, तो इल्ज़ाम लगता था अमूमन कि फ़ौज ने तोड़ दिया, और सीधा सीधा वो मार्शल लॉ लगाते थे। क्या शरीफ ज़माना था, लोग बता देते थे हमने मार्शल लॉ लगाया। अब जो है वो ऐसा गस्टापू सिस्टम है, पता नहीं लग रहा कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये इल्ज़ाम, ये जो 3 मेजर पार्टियां हैं और जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं, उनके ऊपर है सीधा, अगर वो बड़े मुलज़म वो होंगे, बाकी सहूलतकार होंगे, ये मैं बता देता हूँ। अगर कोई तहफ़ देगी अदालत तो वो भी आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 2 कैपिटल ए के ज़ुमरे में, इस सफ़ में शामिल हो जाएगी। लेकिन जो मुआशी हालत है वो बर्बादी से कोई अगली चीज़ अगर आप सोच सकते हैं तो उस तरफ धक्का लगा दिया गया है। और ये सारी सूरत हाल एक ही बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें, उनसे डरने की क्या जरूरत है। आप अमेरिका से डरना छोड़ें,
और पाकिस्तान के लोगों का डर आपको खुद ब खुद उतर जाएगा। खुश रहिए, कल फिर बात करूँगा पाकिस्तान पाइंदाबाद।